मार्वल्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक एवेंजर सीरीज। इन्फिनिटी वॉर के बाद जहां कहानी की शुरुआत हुई थी, वहीं पर युद्ध का कहानी का अंत होगा एवेंजर्स एंड गेम के साथ, जो कि इस साल रिलीज होगी। फैंस को भी सब्री से इंतजार है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो फैंस को अभी से हिला बैठा है, वो है कैप्टन अमेरिका की मौत। पर कैप्टन अमेरिका की मौत कैसे होने वाली है, इसे लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हुई है। आयरन मैन बनेगा वजह कैप्टन अमेरिका की मौत का, ऐसा कुछ थ्योरीज का कहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सोशल मीडिया पर चल रही थ्योरी की माने तो इस सीरीज में कैप्टन अमेरिका को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। दरअसल एवेंजर्स की आने वाली फिल्म यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की प्रेग्नेंट वाइफ पेपर पॉट्स को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका खुद का बलिदान कर देगा। जी हाँ, पेपर पॉट्स को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका अपनी जान गंवा देगा। ऐसा इसलिए करेगा ताकि टोनी स्टार्क खलनायक थैनोस को मार सके और बाद में आयरन मैन थैनोस को मार भी देगा। तो फिलहाल कुछ थ्योरीज जो हैं वो यही कह रही हैं कि आयरन मैन की बीवी को बचाने के लिए, पेपर पॉट्स को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका अपनी जान दे देगा। अब जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही है कि सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, आयरन मैन, हॉकआई, ये सभी दुनिया को बचाने के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछली फिल्म में थैनोस के हाथों हारे सभी एवेंजर्स अब इस फिल्म में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। थैनोस आधी दुनिया खत्म कर चुका है और अब उसे रोकने के लिए आखिरी लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं। हालांकि इस बार कैप्टन मार्वल की एंट्री भी होने वाली है। तो यानी कि एक तरफ जहां पर इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका को खोने की बातें चल रही है, वहीं पर कैप्टन मार्वल की एंट्री भी होने वाली है। पर फिलहाल अगर इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए तो वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी कि कैप्टन अमेरिका आयरन मैन की बीवी यानी पेपर पॉट्स को बचाते बचाते अपनी जान गवा देंगे, खुद का बलिदान कर देंगे। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।